तो मेरी चाय हो गई है, मैंने पिको को भी नाश्ता दे दिया है, और मैं नाश्ता मतलब थोड़ा सा स्नैक्स दे दिया है मैंने, और वैसे ही पिकू जो है ना उबा वगैरह खा चुकी है, तो अभी मैंने उसको थोड़ा सा जो है ना स्नैक्स दे दिया, और मैंने भी अपने लिए ले लिया है, मैंने उपमा नहीं खाया, मुझे उपमा नहीं पसंद उतना, तो मैं जो है थोड़ा सा नमकीन बिस्किट और चाय ले रही हूँ मैं, तो अभी मैं ये खाती हूँ एंड उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कद्दू की सब्जी बनाऊँ। मैंने मेरी शादी के बाद में, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, मैंने आज तक मेरे घर में कभी कद्दू की सब्जी नहीं बनी है, बट आज फर्स्ट टाइम मेरे घर में कद्दू की सब्जी बनेगी। मैं दिखाती हूँ आपको मैं किस टाइम से बनाती हूँ, मैं तो एक्चुअली भूल भी चुकी हूँ, सोचो 6 साल के बाद इंसान कोई चीज़ बनाएगा तो ऑब्वियसली भूल जाएगा, बट कद्दू की सब्जी ऐसी कोई इतना तामझाम वाला तो चीज़ है नहीं, बट एकदम सिंपल से तरीके से बन जाएगी, जैसे मेरी मम्मी बनाती है मैं उस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी। तो बनाते हैं, क्योंकि पीकू ने डिमांड की है कि उसको कद्दू की सब्जी खानी है, तो इस वजह से मैंने कद्दू लाया है कल, तो अभी बनाते हैं सब्जी। सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल चावल कद्दू की सब्जी और रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे टप्पू है, टप्पू हाय हाय। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, जिसको काटने में बहुत बड़ी मुश्किल गई थी, बट काट लिया है। अभी मैंने इसको कट करके पानी में डाल के रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा ये जो है ना राई और थोड़ा सा जीरा डालूंगी मैं, और वो चटकते ही जो है ना मैं ये कद्दू डाल दूंगी। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी, इसके और भी बहुत से तरीके हैं बनाने के, बट मैं ये सिंपल तरीका बनाऊंगी क्योंकि मैं काफी सालों के बाद में बना रही हूँ। विवेक को और मुझे, हम दोनों को भी जो है ना ये सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे भी जो है ना कद्दू की सब्जी नहीं पसंद, विवेक को भी कद्दू की सब्जी नहीं पसंद है। तो कुछ टाइम तक जो है ना इसको ऑयल में ऐसे ही पकने देना है, उसके बाद में जो है इसमें सारे मसाले डालना है आपको, जो जो डालना है, आप चाहे तो तड़के के वक्त ही ग्रीन चिली अगर डालते हो तो बाद में फिर आपको रेड चिली पाउडर भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने नहीं डाला था पहले, इस वजह से अभी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, उसके बाद में थोड़ा सा धनिया डाला है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, और स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और इसको जो है ना हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, और बस हमारी सब्जी जो है बन के रेडी हो जाएगी। 2 या 3 मिनट तक हमें इसको और पकाना है मसालों में, उसके बाद में हमारी सब्जी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो मेरा खाना जो है बन गया था, और पीकू को जो है मैं खाना वाना दे चुकी थी, यहाँ पे पीकू बैठ के जो है अपनी ड्राइंग कर रही थी, ये इसको गिफ्ट में मिली है, ये जो है ना कलरिंग बुक, ये उसको गिफ्ट में मिला है, तो वो इसी को लेके बैठी रहती है दोपहर में काफ़ी टाइम तक, और अपना जो है ना कलर करते रहती है। तो ये उसने किया है कलर, अभी ये सेकंड वाला वो कलर कर रही है, वो अपना धीरे 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 करती रहती है, ऐसे एक्टिविटीज़ में बच्चे बिजी रहते हैं ना तभी उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहता है, तो बस वो करती है, थोड़ी देर खेलती है, थोड़ी देर पढ़ाई, और थोड़ा देर जो है ना आजकल यही चल रहा है उसका ड्राइंग, और आजकल जो है वो वीडियोज़ भी बना रही है, तो बस वही उसका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है ना चलता रहता है दिन भर में। तो विवेक जो है वो ड्यूटी से आ चुके थे, मैंने पीकू को भी खाना दे दिया था, पीकू खाना जो है ना खा चुकी थी, उसके बाद में फिर विवेक ड्यूटी से आ गए थे, तो हम दोनों जो है मिलके यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो विवेक को जो है थोड़ा सा फीवर सा फील हुआ था, इस वजह से मैंने अलग अलग प्लेट में जो है ना खाना निकाला था, क्योंकि आजकल वायरल फीवर जो है वो बहुत यहाँ वहाँ चल रहा है, अभी तक पीकू टप्पू और मेरा जो है चल रहा था, अभी हम लोग जस्ट 1 हफ्ते पहले ही ठीक हुए हैं, तो अभी विवेक को मतलब फीवर आया नहीं था अभी इस टाइम पे, बट उन्होंने जो है ना बोल रहे थे कि उनको फीवर जैसा फील हो रहा है करके, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर एक साथ नहीं खाना खाया, अलग अलग प्लेट में खाना खाया, और इसके बाद में जो है मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि शाम होते होते जो है विवेक को बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ गया था, तो उसके बाद में फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह मैं लेके चली गई, और फिर जो है ना
ब्लॉग को जो है एंड ही नहीं कर पाई, और अगले 2 दिन तक भी जो है ना मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई थी। तो बस इस ब्लॉग में बस यहीं तक के लिए। होपफुली आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।